मिस्टर दीपक दास अभी अपॉइंट हुए हैं एज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स श्री नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो चेयर करेंगे यू की डिबेट को आई विक्रांत इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका अभी इंडिया ने मेडन सी ट्रायल्स स्टार्ट किए हैं सरस्वती समन क्या है ये एक एनुअल अवार्ड है प्रोज पोएट्री लिटरेरी वर्क 22 लैंग्वेजेस में जो इंडिया में शेड्यूल सेवन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है तो इन भाषाओं में पोएट्री प्रोज लिटररी वर्क के लिए सरस्वती संबंध दिया जाता है सो दीज आर आंसर्स ऑफ यर स्टडीज क्वेश्चन आज के सवाल है थर्टी एट पैरल बॉर्डर लाइन डिवाइड करती है विच टू कंट्रीज एटर्नल सिटी इज़ अ निक नेम ऑफ विच सिटी विच सिटी थर्मोक्यू थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर आई टी ई आर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड एट विच कंट्री लोकल विंड्स एक होती है प्लानिटरी विंडस दूसरी होती है लोकल विंड्स सो ड्यू टू विच लोकल विंड सेंट्रल यूरोप एंजॉयज अ वार्मर क्लाइमेट ये हॉट होती है वॉट इज द इनक्लूजिव सॉसर शेप्ड और लेंस शेप्ड बॉडी कोल्ड हमने इंक्लूसिव लैंडफॉर्म्स पढ़े थे जो अर्थ के अंदर ही होता है प्लूटोनिक रॉक्स तो व्हाट इज द इंट्रूसिव सॉसर शेप्ड या लेंस शेप्ड बॉडी कॉल्ड व्हाट इज प्रोसेस वेयर द रिवर अबैंडन्स इट्स ओल्ड रिवर चैनल एंड फॉर्म्स अ न्यू वन कॉल्ड इस प्रोसेस का नाम क्या है सो दीस आर सिक्स क्वेश्चंस फॉर टुडे आज की वोकेबुलरी है हरेटिक हरेटिक मतलब वो नास्तिक है नॉन बिलीवर कोअर्स का मतलब होता है फोर्स समवन टू डू समथिंग जबरदस्ती कोई काम करवाना इंटरिम का मतलब होता है टेम्पररी पोजिशन है इंटरिम सोल्यूशन है इंटरिम मेजर्स है रिट्रैक्ट का मतलब होता है रिवोक करना रिपील करना उसको विद्रॉ कर लेना प्रेडिकमेंट होता है ट्रबल पिकल डिफिकल्टी इशू प्लाइट मतलब देयर इज सम ट्रबल और इशू डिफिकल्टी दैट इज प्रेडिकमेंट सो दीज आर सम वोबुलरी वर्ड इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आप जो आंसर राइटिंग करते हो ना उसमें भी ट्राई टू यूज वेराइटी कुछ ही शब्दों को लिमिटेड को बार-बार यूज -बार नहीं करना है ओके शुड बी सम नाउ ये है आज के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फर्स्ट है अबाउट दिस रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ इस विषय के बारे में हमने काफी पढ़ा है रेट्रोस्पेक्टिव फाइनली ये लॉ विड्रॉ हो गया है न्यूज ये है कॉन्ट्रोवर्सियल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पॉलिसी आज हम ये भी जानते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ये कौन से सारे पैरामीटर्स हैं और इस पे बेस्ड हम एक सवाल भी तैयार करेंगे नॉट ऑलवेज फेयर गेम ये बात है ऑनलाइन गैम्बलिंग का गैम्बलिंग और ये गलत क्यों है अगर सही भी है तो वो रेगुलेटेड होनी चाहिए या आउटराइट बैन होना चाहिए पैंडमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट अ गाइड टू रिजोल्विंग असम मिजोरम इशू आज हम समझते हैं इंडिया और नेपाल फ्लड मैनेजमेंट नीड कोर्स करेक्शन सी ये नेपाल कंट्री है ये इंडिया है और ये सारी रिवर्स आ रही है नेपाल टू इंडिया विल गेट टू नो कि इससे फ्लड सिचुएशन कैसे हाल ही के टाइम पे वर्जन हो रही है और नेसेसरी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वाई आर गवर्नमेंट स्कूल्स नॉट द फर्स्ट चॉइस इस पर हम कुछ बात करेंगे और एक सवाल भी देखेंगे बार्सिलोना ब्रोन्ज मेडल दिस इज फिथ ऑगस्ट ओलम्पिक्स अगेन रीवायरिंग इंडिया इंक और चाइनीज एक्शन अगेन ऑन ब्रह्मपुत्र रिवर देन आज हिंदी में हम समझते हैं ट्रिब्यूनल क्या होते हैं अधिकरण क्या है तीन सौ तेईस ए और तीन सौ तेईस बी ये सी सेट के सोल्यूशन है एंड सर्टेन क्वेश्चन

मॉनिटरिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो रहा है तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर है और अगर ये जो चार्जेस लगे हैं वो ट्रू है तो ये एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है इसके अगेंस्ट एक एफ होनी चाहिए और फिर जुडिशरी को भी इस मैटर पर देखना चाहिए ये बेंच ने डायरेक्ट किया पेटिशनर को टू सर्व कॉपीज ऑफ दटिशन ऑन द गवर्नमेंट तो देखते हैं अब इसमें आगे क्या प्रोग्रेस होती है दिस इज अबाउट दिस स्नूपिंग एंड पैगास सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप हैक करना देन दिस इज अबाउट ओलंपिक्स कल हमने ब्रोंज मेडल जीता हॉकी में एक्सीलेंट बट वेमेन हॉकी में हम जीत नहीं पाए बट सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला है हॉकी में हॉकी में ये टर्न अराउंड बोला जा रहा है कि हमने हॉकी में मैन भी विमेन भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस किया है विच इज वंडरफुल इंडिया so, ने जर्मनी को बीट किया और ब्रोंज मेडल जीता मेंस हॉकी में जो हमारे रेसलर है रवि कुमार दहिया उन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता है 57 सेवन के जी में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस दिस इज इनडोमिटेबल स्पिरिट इनडोमिटेबल स्पिरिट ये जो इनडोमिटेबल स्पिरिट होती है ना विल पावर सबसे बड़ी जो पावर होती है ना वो विल पावर होती है विल पावर का मतलब क्या होता है दृढ़ इच्छा शक्ति आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है कि एडवर्स हो रहा है या चीजें ब्राइट नहीं दिख रही है बट हैव यू गॉट दैट विल पावर अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है तो आप डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेज से भी खुद को बाहर निकालोगे एंड यू विल गो फॉर दिस विक्ट्री तो विक्ट्री के लिए स्ट्रांग विल पावर होना बहुत जरूरी है ओके okay? एग्जाम्स में भी स्ट्रांग विल पावर होना जरूरी है मानसिक रूप से इच्छा शक्ति दृढ़ होनी चाहिए ओके okay? सो दैट इज बाई हम बोलते हैं स्पोर्ट्स से ना बड़े लाइफ लेसन सीखते हैं स्पोर्ट्समैनशिप से हमें लाइफ के बड़े अच्छे लेसन सीखने को मिलते हैं देन ये हमारा मेन टॉपिक है सेंटर मूव्स टू रिडेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ रिट्रोस्पेक्टिव ये टॉपिक हमने अभी कुछ ही दिन पहले 9 जुलाई को पढ़ा था जब हमने केन एनर्जी का डिसीजन देखा था वर्डिक्ट देखा था हैव अ लुक रिवीजन इज इंपॉर्टेंट रेट्रोस्पेक्टिव का डिक्शनरी मीनिंग क्या होता है इसका मतलब होता है बैक डेटेड एक्स पोस्ट फैक्टो बैकवर्ड लुकिंग लुकिंग बैक और ऑन डीलिंग विद पास्ट इवेंट्स और सिचुएशंस तो टैक्स के जो लॉज बनते हैं ना उनमें होते हैं लूप होल्स लूप होल्स होते हैं जैसे हमने बताया हम इस चीज पे टैक्स लगाएंगे बट गवर्नमेंट का जो टैक्सेशन है इससे जो प्राइवेट कंपनीज है ये इस टैक्सेशन को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करती है प्राइवेट कंपनीज क्या करती है कि वो या तो प्रॉफिट जीरो दिखाएंगी या फिर वो टैक्सेशन में बुक्स को इस तरीके से बनाएंगी कि वो टैक्स देने से बच जाए तो ऐसे ही एक केस आया था केन एनर्जी का उससे पहले आया था वोडाफोन का इन दोनों ने क्या किया टैक्स इवेजन किया था टैक्स इवेजन बट वो टैक्स इवेजन की अकाउंटेबिलिटी इसलिए सेट नहीं हो पा रही थी बिकॉज वो विद इन लॉज था तो प्रॉब्लम थी लॉज की शॉर्टकमिंग जो नियम कानून थे रूल्स रेगुलेशन थे उसमें लूप होल्स थे तो इसीलिए दो में प्रणब मुखर्जी साहब थे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला जो लूप होल्स हैं उनको हम बैक डेट में जाके करेक्ट करेंगे तो इसलिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन आया और केन एनर्जी वोडाफोन को बोला कि आप ये जो इतना टैक्स बचा रहे थे हमने बैक डेट में जाके नियम बदल दिए हैं बदल दिए मतलब जो नियम में कमी थी उसको फुलफिल कर दिया तो अब आप पे टैक्स लाइबिलिटी बनती है और आप टैक्स दो ये मैसेज दिया के एन एनर्जी को भी और वोडाफोन को भी ऑल दो इन्होंने फिर इंटरनेशनल कोर्ट में अप्लाई किया हम वो केस अभी जीत भी नहीं पाए द पॉइंट इज रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन हमेशा एक प्रॉब्लम रहा है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन से हमेशा एम्बिग्यूटी आती है तो 2012 का जो ये आईटी एक्ट था रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन का फिलहाल के लिए इसको हटा दिया गया है तो एक लाउड और क्लियर मैसेज गया है ग्लोबल इन्वेस्टर्स को इंडिया विल कोर्स करेक्ट एंड बाइट बाइट द द बुलेट बुलेट मतलब इससे नुकसान हुआ है पर हम उसको झेल जाएंगे इवन इफ अराउंड इट आर नॉट एग्जैक्टली मतलब फेवरेबल कंडीशन नहीं है इकोनॉमी ऑलरेडी बढ़े पैसे की कमी हो रही है हमारे पास बट फिर भी वी विल बाइट द बुलेट बिकॉज वी वॉन्ट टू सेंड अ मैसेज और वो मैसेज है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वैसे भी अगर फेयर टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होती है कि कोई भी काम करने से पहले उसकी टर्म्स कंडीशंस डिसाइड कर लेना इससे क्या होता है काम शुरू होने के बाद फिर गलत फहमियाँ नहीं होती उसके बाद क्या होता है ऐसे डिस्प्यूट्स नहीं होते तो इसीलिए जो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है ना अगर हम इंटरनेशनल इंटरनेशनल बॉडीज़ को देखें या इंटरनेशनल गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखें डिफरेंट कंट्रीज़ की तो यूजुअली रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को पसंद नहीं किया जाता है तो दिस इज़ अ राइट स्टेप कि हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को हटा दिया इन सिग्नल टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट मूव्स टू बरी कंट्रोवर्शियल रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पॉलिसी सो दिस इज गुड इससे इन्वेस्टर्स भी कॉन्फिडेंस में रहेंगे यानी कि आज हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया दो साल आप बता रहे हो कि पिछले 5 साल से आपको ऐसे करना है तो नो रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पॉलिसी कंट्रोवर्शियल थी और इसका टाइम अप हो गया है। अब इसमें कुछ हाई प्रोफाइल केसेस भी आए थे जो हमने दोनों पढ़े हैं आप इस 9 जुलाई के पीडीएफ को भी देखो वीडियो को भी वोडाफोन और केन एनर्जी इन दोनों ने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन में ऑल दो इन दोनों कंपनीज ने इरेग्यूलरिटीज की थी बट वी हैव डिसाइडेड टू बाइट द बुलेट और हम रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन को ओवर कर रहे हैं अब बात आती है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बिकॉज हम चाहते हैं इन्वेस्टर्स इंडिया में आए वो इंडिया में पैसे लगाए उनका पैसा सेफ है बिजनेस सेफ है तो वी वॉन्ट दिस बिजनेस टू अब ये जो टर्म है ना इज ऑफ डूइंग बिजनेस इसकी रिपोर्ट भी आती है वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं हम उन पैरामीटर्स में ये कैलकुलेट करते हैं कि कंट्रीज डूइंग गुड और नॉट जिसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या करोगे स्टार्टिंग अ बिजनेस स्टार्टिंग अ बिजनेस आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे लेबर है या नहीं है बिकॉज कंपनी फैक्ट्री में आपको लेबर चाहिए होगा फिर आप कंस्ट्रक्शन परमिट होनी चाहिए आपको कुछ बिल्डिंग्स बनाने की वहाँ पे बिजली की ज़रूरत होगी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्टर करना पड़ेगा आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स जो हैं तो स्टार्टिंग अ बिजनेस गेटिंग अ लोकेशन और फाइनेंस ये सब क्या हम देख रहे हैं ये देख रहे हैं बिजनेस करने के एसेंशियल पार्ट वैसे इकोनॉमी में हमने पढ़ा था कैपिटल चाहिए होती है मैन पावर चाहिए होती है लैंड चाहिए होती है ये और फाइन फाइन पॉइंटर्स हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में दीज आर इम्पॉर्टेंट अब जैसे माइनॉरिटी इन्वेस्टर आपने प्रोटेक्ट किया फिर आपको डे टू डे ऑपरेशन होगा रोज का जैसे ट्रेड करना है टैक्सेस देना है एनफोर्स कराना है कॉन्ट्रैक्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया बट कॉन्ट्रैक्ट का वैलिडिटी तभी तक होगा जब वो एनफोर्स किया जा सके तो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फिर बिजनेस में रिजोल्व करना है इंसॉल्वेंसी अगर दिवालिया निकल गया या बिजनेस सक्सेस नहीं हुआ तो वाइंड अप भी इजी होना चाहिए ये सारी चीज़ें ना कॉन्फिडेंस देती है इन्वेस्टर को कि हम इंडिया में आ सकते हैं और इंडिया में हमारा बिजनेस सेफ रहेगा प्रोसेस बहुत कन्वीनियंट रहेगी स्टार्टिंग अ बिजनेस गेटिंग अ लोकेशन फाइनेंस डे टू डे ऑपरेशन एंड सिक्योर बिजनेस एनवायरमेंट सो दीज आर कॉल्ड पैरामीटर्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट पिछले कुछ टाइम पे इंडिया ने काफी इंप्रूवमेंट किया है अभी करंट रैंकिंग लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से क्या है इंडिया की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आंसर अब एक सवाल और है मेंस का सवाल है डिस्कस वेरियस फैक्टर्स दैट लेड टू राइज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे अभी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट हुआ ना वो क्यों हुआ जैसे अभी लेटेस्ट उदाहरण क्या है ये कि हमने रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पॉलिसी हटा दी तो इससे भी हमारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को फायदा मिलेगा जो अगले साल आएगी डू यू थिंक दिस वुड हेल्प ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ तो इसमें दो सवाल है पहला सवाल का जो पार्ट है उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पता है या नहीं पता है और पता भी है तो वो फैक्टर्स पता है जिसके कारण इंडिया की रैंकिंग अप हुई है ओके सो दिस इज फर्स्ट पार्ट इसको आप लिखो सेकेंड लिखो डू यू थिंक दिस वुड हेल्प ड्राइव इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या इसका कोई फायदा होगा और यहां पे क्या पूछा है आपका ओपिनियन पूछा है आप क्या सोचते हो तो डू यू थिंक ओपिनियन सजेशन इनोवेटिव मेजर्स जब भी ऐसे सवाल आते हैं ना और अगर वो ऑप्शन भी दिया हुआ है तो हमेशा ऐसे सवाल को करना है जहां पे आपसे आपका थॉट प्रोसेस था बिकॉज इसमें आपको अपना टैलेंट दिखाने का बड़ा अच्छा स्कोप है स्टैटिक चीजों में आप ज्यादा कुछ लिख नहीं सकते सभी चीज सभी स्टूडेंट्स सेम पॉइंट्स लिखेंगे बट यहां आप अपना अपना टैलेंट दिखा सकते हो इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ में सो अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रेजेंट गवर्नमेंट का सारा फोकस जो है ना वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में है तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट ऑलवेज फेयर गेम तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू जर्मनी एलिजेशन सेंटर और दिस एक और न्यूज है जो आई आई टीज हैं वहां पे सिक्सटी परसेंट जो ड्रॉप आउट है दो, दो इस बात पे भी हमें फोकस करना चाहिए और इस इश्यू को सॉल्व करना चाहिए कि हम वहाँ पे ड्रॉप आउट्स को भी कम करें देन दिस इज ऑक्सीजन सप्लायर दिस इज सेकेंड पेज सिटी की न्यूज है सेंट स्टीफनस कॉलेज एडमिशन ओपन कर रहा है और ये पिंक लाइन अभी सर्विस स्टार्ट करेगी पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो दिल्ली मेट्रो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है दिस मास रैपिड ट्रांसपोर्टेशन का किसी भी शहर में हम मेट्रो ओपन कर रहे हैं दिल्ली की मेट्रो का जो एफिशिएंसी है दिल्ली की मेट्रो का जो स्केल है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल एडिटोरियल में फर्स्ट एडिटोरियल है नॉट ऑलवेज फेयर गेम फेयर गेम नॉट ऑलवेज फेयर गेम स्टेट मस्ट गार्ड अगेंस्ट जीलस पैटर्नलिज्म वाइल सीकिंग टू कर्ब एक्टिविटीज ऑनलाइन सी कई बार क्या होता है कि हमारी इंटेंशन तो बहुत अच्छी होती है बट वो अकॉर्डिंगली एक्शन में डिलीवर नहीं हो पाती सेम है स्टेट स्टेट वेन एवर द स्टेट ट्राइज टू फॉर्मुलेट सर्टन पॉलिसीज स्टेट्स की इंटेंशंस ठीक होनी चाहिए ठीक होती भी है कि वो इंटेंशंस अच्छी है बट जो लजिस्लेशन होता है ना वो उसमें कन्वर्ट नहीं होती तो गुड इंटेंशंस डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर गुड लजिस्लेशन नोट डाउन दिस लाइन ये जितने भी ऐसे पंच लाइन्स जो मैं आपको बोलता हूँ ना नोटेड डाउन इसको नोटेड डाउन एंड यूज इट कहीं भी मौका मिले इंटरव्यू में कुछ बोलना है स्टार्ट विद दिस गुड इंटेंशन डू नॉट ऑलवेज मेक फॉर गुड लेजिसलेन इट विल गुड इम्पैक्ट सिमिलरली आप आंसर में भी ऐसे पंच लाइन जो आती है ना इनको याद करो और जहां मौका मिले यूज इट अब यहाँ जो बात है वो ऑनलाइन गेमिंग की है ऑनलाइन गेमिंग क्या होता है जैसे आ, टीम हम बना लेंगे पढ़ाई आप करो इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं ये सारी चीजें हैं ना ये गैम्बलिंग है गैम्बलिंग kind of. मतलब अनसरटैनिटी अनसरटेनिटी मतलब देर इज लक देर इज चांस लक चांस और यहाँ पर रॉन्ग डूइंग्स होने का बहुत ज्यादा स्कोप है इंडिया में वैसे भी गैम्बलिंग इज नॉट लीगल तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग के प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे कि आप ये टीम बना लो या कुछ क्विज हो रहा है या फिर सर्टन प्रडिक्शंस करने हैं प्रोजेक्शंस करने हैं इस बात पर क्या हो रहा है अडिक्शन हो रहा है स्पेशली जो यंगस्टर्स होते हैं टीन एजर्स हैं अननेसेसरी उन पर प्रेशर आता है बहुत सारे जैसे पब्जी वगैरह गेम भी ब्लॉक किए थे वो क्या करते हैं जैसे अक्सर केस आता है कि एक अंडर एज है उसने अपने पेरेंट्स का क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज़ किया उसमें बहुत ज़्यादा उसने कुछ रॉन्ग डूइंग्स हो गई ज़्यादा खर्चा हो गया समथिंग लाइक दैट फिर वो अननेसेसरी बच्चा प्रेशर में आएगा और फिर ये जो ऑनलाइन पीपल होते हैं ये दे स्टार्ट्स बुलिंग हिम उसको डराते हैं और फिर उसका रॉन्ग डूइंग होता है सो द पॉइंट इज इस पूरे चीज़ से जो गलिबल यंगस्टर्स भी हैं गिबल पीपल भी है उनको सेफ करना है और स्टेट को लगता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो स्टेट की इंटेंशन गुड है स्टेट वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट इट्स सब्जेक्ट्स बट इसका जो लेजिस्लेशन आता है वो फिर इनकरेक्ट हो जाता है क्यों क्योंकि अडिक्टिव गेम्स हैं स्टेट्स उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है बट डिस्टिंगशन कैसे करोगे आप कि वो गेम्स ऑफ स्किल एंड गेम्स ऑफ चांस में जैसे कोई क्विज है क्विज में आपने सारे सही सवाल दिए तो कौन बनेगा करोड़पति भी एक था जिसमें भी आपको पैसे मिल रहे थे बट वो ओके okay है बट अगर कहीं गेम्स ऑफ चांस है दैट इज प्योर लक वो फिर नॉट ओके okay और इन दोनों में आप डिस्टिंगशन कैसे करोगे सीकिंग टू ट्रीट गेमिंग एनीथिंग दैट इन्वॉल्व स्टेक्स कॉन्ट्ररी टू जुडिशल प्रनाउंसमेंट्स सरकम स्क्राइबिंग द टर्म्स ऑफ टू गेम्स दैट आर बेस्ड ऑन चांस तो इसी बात पे जो केरला की तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने और गैम्बलिंग रिलेटेड जो गेम्स हैं उसको ब्लॉक करने की बात की कोर्ट ने कहा कि आप डिस्टिंगशन कैसे करोगे कि वो गैम्बलिंग या वो जो गेम है वो जो कॉन्टेस्टेंट है उसके टैलेंट को देख रहा है या फिर इट्स ऑल लक दिस इज द थिंग तो टर्न द स्टैचू ऑन इट्स हेड गेम्स ऑफ स्किल क्या है कोर्ट ने सही बोला कि ये एक्चुअली जो सारा ब्लैंकेट बैन होगा सच टाइप ऑफ प्राइज मनी क्विज मनी गैम्बलिंग तो गैम्बलिंग का एक टर्म ब्लैंकेट बैन नहीं लगाना चाहिए जस्ट उनको एक ब्लैंकेट जस्ट उनको एक गैम्बलिंग के नाम से टैग करने का तो द पॉइंट इज पहला पॉइंट तो ये है कि जो लजिस्लेशन है उसमें डिफ्रेंशिएशन होना बहुत डिफिकल्ट है सेकेंड चीज़ है कि जो स्टेट की टेंडेंसी होती है कई बार पॉलिटिकल पॉपुलिज्म होता है हम अक्सर देखते हैं मोरल पोलिसिंग करने लग जाते हैं जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं या फिर स्टेट मशीनरी है तो मोरल पोलिसिंग हुआ या फिर पॉलिटिकल पॉपुलिज्म हुआ ये सही नहीं है पैटर्नलिस्टिक रोल अगर ज्यादा सीरियसली स्टेट ले लेता है तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज स्टेट ने बता दिया कि ये ये चीज़ है ये ये चीज करना है और ये गलत है अब ये नहीं कि स्टेट फोर्सफुली हर इंडिविजुअल को बोलने लग जाए या उसको डिक्टेट करने लग जाए इससे तो राइट ऑफ राइट टू फ्रीडम चला जाएगा इंडिविजुअल फ्रीडम जरूरी है Choice tend to be forgotten. जैसे हमने बता दिया, smoking मत करो. Smoking करोगे तो you are, you are going to be in trouble और आपसे जुड़े हुए सारे लोग trouble करेंगे, problem face करेंगे. But अब इसका मतलब ये नहीं है कि state जो स्मोक कर रहा है उस पर पेनल्टी उसको जेल में डाल दे नो no. ये इंडिविजुअल डिस्क्रिप्शन पे हमें छोड़ना पड़ेगा इंडिविजुअल विजडम पे छोड़ना पड़ेगा ये चीजें तो ये चीज यहाँ पर लिखी है कि टू मच ऑफ स्टेट इंटरवेंशन इज ऑल्सो नॉट राइट जो मोरली प्रेशराइज करने की कोशिश करता है स्टेट वो भी गलत है द कोर्ट वाइल अंडरस्टैंडिंग द लॉज इंटेंट इंटेंट सही है जैसे अल्कोहल है अल्कोहल रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम होती है अल्कोहल से फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है अल्कोहल से डेथ ट्रैप में फंस जाते हैं अल्कोहल से डिसीजेस बढ़ती है अल्कोहल से एंटी सोशल एक्टिविटीज आती है तो कुछ राज्यों ने अल्कोहल को बैन कर दिया तो इंटेंट सही है बट अब उसमें ये बात आती है कि ये तो मोरल पुलिसिंग हो गई हर इंडिविजुअल को राइट right है उसको पता है क्या सही है क्या गलत है तो लेट देम फ्री तो लॉज इंटेंट और प्रपोर्शनैलिटी होना जरूरी है इट नोट्स दैट एक्सेसिव पटर्नलिज्म को डिसेंड इनटू टू ऑथोरिटेरियनिज्म फिर हमें और ऑथोटेरियन स्टेट में क्या डिफरेंस हो जाएगा जैसे नॉर्थ कोरिया है वहां पर स्टेट ही सबको बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है तो वी आर नॉट इन ऑथोरिटेरियन स्टेट हमें एक फ्रीडम भी देना चाहिए बट अगेन जो बेस्ट वे है वो है दिस मध्यम मार्ग जो बुद्धिज्म में हम पढ़ते हैं कि स्टेट शुड बी देयर बट वो लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए ऑथोरिटेरियनिज्म की पैंडमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट ऑफ डिस्ट्रस्ट अब यहाँ पे भी यही बात है कि कोविड नाइनटीन की वैक्सीनेशन के लिए इतने रूमर्स आ गए हैं इतने रूमर्स आ गए हैं कि उससे वैक्सीनेशन ड्राइव हमारी डिफीट होती है द पॉइंट इज इसमें हमें होल हार्टेडली सबको सिंगल पॉइंट एजेंडा में काम करना है कि हर किसी की वैक्सीनेशन होनी चाहिए वैक्सीनेशन मोस्टली कॉन्फॉर्म टू स्पेसिफिक सोशल कल्चरल पॉलिटिकल प्रोफाइल इसमें कोई ए फॉर बर्ट नहीं है वैक्सीनेशन लगाना है तो लगाना है दिस इज दी ओनली सोल्यूशन वी हैव ओके बिफोर दैट ये है गेम ऑफ स्किल गेम ऑफ चांस बैन और रेगुलेशन एक्सेसिव पर्टरलिज्म ऑथोरिटेरियनिज्म को लीड करता है तो हमें एक हमें एक बैलेंस एक मिडल बात मिडिल पाथ फाइंड करना ज़रूरी है तो ये नॉट ऑलवेज फेयर गेम है और ये पैंडमिक डिस्ट्रस्ट है अब जैसे इस टाइप के टॉपिक्स हम पढ़ते हैं ना तो इससे हमें बहुत सारे फॉर्डर पॉइंट्स मिलते हैं एक सोचने का डायरेक्शन मिलता है किस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो जैसे आप अगर टॉप सर्विसेज की बात करोगे ना स्पेशली जैसे गवर्नमेंट सर्विसेज में भी कुछ वन डे एग्जाम्स होते हैं जिसमें केवल फैक्ट बेस्ड चीज़ें पूछी जाती है कि ये पता है नहीं पता है तो ठीक है उसके बेसिस पे सलेक्शन हो जाएगा बट अगर आप हायर एचली में देख रहे हो ना और स्पेशली लीडरशिप में लीडरशिप में यह सफिशियंट नहीं है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पता है फैक्ट पता है ये sufficient condition नहीं है केवल कंडीशन नहीं जो लीडरशिप वाले स्पेशली सिविल सिविल सर्विसेज सर्विसेज बिकॉज से आप टॉप ब्यूरोक्रेट बनने वाले हो टॉप एचल में रहोगे तो यहाँ फैक्ट जानना सफिशियंट नहीं होता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्शन क्या है वॉट इज द डायरेक्शन वट इज योर थॉट प्रोसेस अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं ना उस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है इंटरव्यू में इट इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन जिसने दस में से दस सही जवाब दे दिए ये भी हो सकता है दस में से दस सही जवाब दिए फिर भी आपके पुअर मार्क्स मिलेंगे इंटरव्यू में इंटरव्यू में सिलेक्शन उसका होता है जिसकी थॉट प्रोसेस इन सिंक होती है बिकमिंग होती है टू बिकम अ सिविल सर्वेंट थॉट प्रोसेस बिकॉज फैक्ट नहीं पता है ना तो फैक्ट सिखाया जा सकता है आपको नहीं पता इसका कैपिटल क्या है आप एक गूगल करो यू विल गेट आंसर बट आपका सोचने का तरीका अगर अगेंस्ट है नॉट बिकमिंग है एक सिविल सर्वेंट का तो यू आर गोइंग टू गेट इन ट्रबल सो दैट इज वाई सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रिपरेशन में हमें ध्यान देना चाहिए वो एक थॉट प्रोसेस पे भी ध्यान देना चाहिए बिकॉज यही थॉट प्रोसेस ना आपके आंसर राइटिंग पे भी रिफ्लेक्ट होगी जो आप लिखोगे ना ये सब कॉन्शियसली जैसा है वो सब रिप्रेजेंट होता है वहां पे सो वर्क ऑन दिस एज वेल दिस इज पैंडमिक ऑफ डिस्ट्रस्ट गाइड टू रिजोल्विंग असम मिजोरम इशू अब थास ये नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ पे वायलेंस करने लग जाएंगे या फिर ये बड़ा स्टेट है ये छोटा स्टेट है तो वो इसको ऐसे ओवरकम कर लेगा ये बड़ी रॉन्ग रॉन्ग डायरेक्शन है डायरेक्शन हमेशा यही होगी कि असम इज एन इंडियन स्टेट मिजोरम इज एन इंडियन स्टेट ये दोनों इंडिया के राज्य हैं तो इनके बीच में किसी भी टाइप का डिफ्रेंशिएशन नहीं होने देंगे सेकेंड इनको आपस में लड़ने भी नहीं देंगे टॉक्स होना है कॉन्फिडेंस में लेंगे अग्रीमेंट करेंगे और हमेशा पीसफुल रिजोल्यूशन करेंगे तो पावर में मैड भी नहीं होना है कि यू हैव ब्रूट फोर्स ब्रूट स्ट्रेंथ नो विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑलवेज रिमेंबर दिस सो पीसफुल रिजोल्यूशन इज इंपॉर्टेंट इंडिया नेपाल फ्लड मैनेजमेंट नीड्स कोर्स करेक्शन जैसे नेपाल के साथ भी पॉलिसी होती है कभी भी हम नेपाल के अगेंस्ट ऐसे लड़ने वड़ने की बात नहीं करते है. नेपाल जो है दिस इज अ डियर स्टेट ऑफ Ours. Dear, this of ours, Nepal. तो नेपाल के साथ जो प्रॉब्लम्स हैं टेंशन हैं ऑब्वियसली दो नेबर हैं तो टेंशन तो होंगे बट वी ऑलवेज ट्राई टू फॉ फाइंड दिस सॉल्यूशन पीसफुल सॉल्यूशन तो ऐसे ही जो फ्लड है फ्लड में भी हमें कोर्स करेक्शन करना जरूरी है पहले नेपाल देखते हैं ये है नेपाल नेपाल एक हिमालयन स्टेट है नेपाल इंडिया के किन किन स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है आप बताओ तो दिस इज नेपाल ये जो नेपाल का नीचे वाला रीजन है ना इसको बोलते हैं तराई रीजन तराई रीजन और फिर इसकी प्रॉक्सिमिटी आ जाती है बिहार यूपी यहाँ से नेपाल की अब नेपाल बिकॉज हिमालय माउंटेन है हिमालय में भी ये जो माउंट एवरेस्ट है ना जैसे सागर माथा सागर माथा माउंट एवरेस्ट है ये तो रिवर्स क्या होती है रिवर्स हाई एल्टीट्यूड से आती है और लोअर एल्टीट्यूड की तरफ जाती है तो बहुत सारी रिवर हिमालय से जनरेट होती है ओरिजिन होती है और नीचे आती है तराई में मतलब इंडियन प्लेन में अब माउंटेन हिमालय जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन है तो यहाँ पे सिल्ट बहुत है यहाँ पे दिस मिट्टी बहुत आती है गाद बहुत आती है तो ये रिवर्स क्या करती है वो सारी मिट्टी को नीचे लेके आ जाती है और इन अवे उसी से ये प्लेन्स का फॉर्मेशन भी हुआ है प्रॉब्लम ये आती है कि जब ह्यूमन यहाँ पे एनक्रोचमेंट होता है अनप्लैंड सेटलमेंट होता है तो रिवर का जो नेचुरल फ्लो है हम उसको ब्लॉक करते हैं पॉपुलेशन वैसे ही बढ़ रही है तो उससे रिवर ब्लॉक होती है और रिवर का कोर्स ऐसे चेंज होने लग जाता है फ्लक्चुएट होता है और फिर ये बनती है फ्लड flood. तो फ्लडिंग के लिए दोनों कंट्री का क्लोज कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है कॉमन कॉज है हम इंस्पिरेशन लें शुरू के टाइम पे नाइनटीन में जब हमने फ्रेंडशिप ट्रीटी भी किया था द पॉइंट इज बोथ इंडिया एंड नेपाल शुड वर्क टूर टुगेदर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ फ्लड जैसे अभी बिहार में देखिए थोड़ा पानी आया और पूरा बिहार यहाँ पे डूब गया नॉर्दर्न बिहार प्रॉब्लम है रिवर्स रिवर्स में ये तीन रिवर इंपॉर्टेंट है एक तो ये घाघरा दूसरी गंडक और तीसरी कोसी कोसी सौरव तो द पॉइंट इज इन रिवर्स में हमें जो रिवर रिजीम है उसकी क्विक रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है और स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल दोनों एफर्ट्स डालने हैं। स्ट्रक्चरल क्या होता है जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन करें डैम्स टाइप रिजर्वायर बनाए कुछ डिटेंशन बेसेंस दें ये क्या एज अ बफर करेंगे ज्यादा पानी आया तो वो यहाँ पे इकट्ठा होगा फिर धीरे धीरे आगे जाएगा तो फ्लड नहीं आएगा एम्बैंकमेंट बनाए जैसे ये फ्लड है रिवर है तो ये उसका दिस एम्बैंकमेंट कहते हैं एम्बैंकमेंट देन चैनल इंप्रूवमेंट मेड एम्बैंकमेंट को हिंदी में मेड बोलते हैं दिस इज मेड ये चैनल को इंप्रूवमेंट करें जैसे शैलो हो गया तो उसको वापस हम डीप करें उससे जो सिल्ट है गाद है उसको हटाएं तो ये स्ट्रक्चरल इंप्रूवमेंट होगा नॉन स्ट्रक्चरल में हम फ्लड प्लेन मैनेजमेंट करें फ्लड फोरकास्टिंग करें वार्निंग सिस्टम डेवलप करें कि पता लग जाए फ्लड आने वाला है तो हम इवैकुएट कर लेंगे फ्लड इंश्योरेंस होना चाहिए फाइनेंशियल कंपनसेशन होना चाहिए सो दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट जब भी फ्लड का सोल्यूशन बताना है तो उसको सेग्रीगेट करिए स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या होंगे ये सब होंगे नॉन स्ट्रक्चरल सोल्यूशन क्या होंगे ये सब होंगे ओके okay? हमेशा अगर हम सब हेडिंग्स लिखते हैं ना तो उससे ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा लगता है आंसर आप आंसर लिखते हो ना तो हमेशा सब हेडिंग्स डालो सेग्रीगेट करो सिस्टमैटिक करो ऑर्गेनाइज करो उसके एस्थेटिक्स पे भी ध्यान रखो ओके अब जैसे ये कुछ रिवर्स हैं नेपाल की डिस्चार्ज बहुत है सेडिमेंट भी बहुत ज्यादा है कोसी में गंडक में बूढ़ी गंडक बागमती कमला बालन दिस इज महानंदा दिस इज अध ग्रुप रैक है वो किन द प्लेन्स ऑफ नेपाल तराई एंड बिहार अब जैसे ये गंगा आ रही है ना तो गंगा में इधर की सारी ये जितनी भी नेपाल से आ रही है वो सब यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज बनेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज और नीचे यमुना है फिर गंगा के तो वाटर मैनेजमेंट नेसेसरी है कोसी डिपोजिशन ऑफ स्टोन सैंड सिल्ट एंड सेडिमेंट हैज लेड टू रिवर बेड्स राइजिंग चेंजिंग कोस एंड कॉजिंग अनइमेजिनेबल लॉस तो जरूरी है हम इस पर ध्यान दें अब पानी ज्यादा आ रहा है ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि पानी की प्रॉब्लम नहीं है आप देखो इस एरिया में ड्रॉट भी हो रहे हैं सिंकिंग वाटर टेबल भी है जो ग्राउंड वाटर टेबल भी है द पॉइंट इज कि पानी आ रहा है उसको कंजर्व करना चाहिए बैंक करना चाहिए जैसे स्टडीज में भी होता है ना आप पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ अगर आप उसको बैंक नहीं कर रहे हो रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम आपकी भी स्टडीज में ड्रॉट आ जाएगा तो द पॉइंट इज यू हैव हैव टू टू रिवाइज यू बैंक जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करिए उसको कंसोलिडेट करिए तो वाटर जो भी है ना वाटर खूब आ रहा है हमारे पास बट इसको कंसोलिडेट करना जरूरी है पॉलिसी रिफ्रेश जरूरी है रिक्वायर्ड है तो दिस इज अगेन अ वेरी गुड वेरी गुड आर्टिकल जिसमें हमें बताया है कि वाटर कंजर्वेशन जरूरी है और फ्लड मैनेजमेंट में स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल बोथ एफर्ट्स आर बोथ टाइप ऑफ एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड वाई आर गवर्नमेंट स्कूल नॉट द फर्स्ट चॉइस अब ये एक बहुत बड़ा सवाल है गवर्नमेंट स्कूल्स में हम बच्चों को भेजना क्यों नहीं चाहते गवर्नमेंट स्कूल्स क्या उतने अच्छे नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर्स अच्छे नहीं हैं क्या वहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही या सो so कॉल्ड जो हम इंडियंस का ऑब्सेशन होता है इंग्लिश भाषा से वो हम सोचते हैं कि केवल कॉन्वेंट में ही सीख पाएंगे सरकारी स्कूल में माहौल नहीं मिलेगा ये फलाना तो द पॉइंट इज़ ये क्यों है ये ऐसा क्यों है कि गवर्नमेंट स्कूल्स नॉट द फर्स्ट चॉइस वेर इज पढ़ना हम चाहते हैं प्राइवेट में बट जब नौकरी की बात आती है तो एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर दिस गवर्नमेंट सर्विस तो ऐसी स्थिति क्यों आई पब्लिक एजुकेशन सिस्टम इज द प्राइमरी ऑप्शन फॉर मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स इन इंडिया ये सरकार की जिम्मेदारी है जैसे मैंने आपको बताया था ना हम इतना हम इतना खुश हो रहे हैं सेलिब्रेट हो रहे हैं कि ये बिलियन डॉलर यहाँ पैकेज मिल रहा है प्राइवेट सेक्टर में कोचिंग इंडस्ट्रीज में दिस एंड ऑल ये सक्सेस नहीं बता रहा है ये बता रहा है फेलियर फेलियर ऑफ एजुकेशन सिस्टम है ये कि फेलियर ऑफ एजुकेशन हुआ स्कूल्स में कॉलेजेस में सरकारी इन सब में जो स्ट्रक्चर है हमारा वो डिलीवर नहीं कर पा रहा है और इसी के कारण ये प्राइवेट कोचिंग्स और इतने सारे उभर के बाहर आए हैं तो प्रॉब्लम जो है ना वो इधर है जो गवर्नमेंट को की ड्यूटी है एजुकेशन देना वो फेल क्यों हो रही है पब्लिक एजुकेशन फ़ेल क्यों हो रहा है इंस्टीट्यूशन हैव बिकम मोर इम्पोर्टेंट एज द पेंडेमिक टेक्स अ टोल ऑन द इकोनमी फी पुटिंग फी चार्जिंग स्कूल बियॉन्ड द रीच ऑफ मैनी एंड फोर्सिंग थाउजेंड्स टू तो मूव टू तो गवर्नमेंट स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स में बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं और इसके लिए हमें जरूरी है कि हम जो स्टेट ओंड है सी वी आर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट कोचिंग्स एट्सेट्रा द पॉइंट इज देर हैज टू बी अ बैलेंस ये नहीं कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स गवर्नमेंट मशीनरी को डिफीट करके प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करें ग्रो करने के लिए अलाउ करें नो वी नीड टू वी नीड टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट मशीनरी और गवर्नमेंट स्कूल्स का जैसे एक इमेज बन गया है कि वहां पे पढ़ाई नहीं है ऐसा नहीं है उसको भी ओवरकम करना जरूरी है गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस आर गुड मेरी पूरी पढ़ाई सरकारी स्कूल एंड कॉलेजेस में हुआ है एंड आई एम डूइंग जस्ट वेल सो द पॉइंट इज गवर्नमेंट स्कूल्स का ये जो एक स्टिग्मा है उसको दूर करना है और इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी हैं जैसे आप देखो अक्सर ट्विटर में भी ऑफिसर्स जो हैं वो बताते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ आंगनबाड़ी में भेजा छोटे बच्चों को प्राइमरी प्राथमिक शिक्षा में वो वहाँ पे पढ़ा रहे छोटे बच्चे हैं उनके उनको हिंदी रीजनल लैंग्वेज में भी उतना ही अच्छे से पढ़ा रहे उनके मन में ये नहीं कर रहे हैं कि इंग्लिश मतलब अच्छा हिंदी मतलब बुरा नो तो ऐसे आप एग्जाम्पल्स भी सेट कर सकते हो इस पॉइंट को भी नोट करिए जब भी केस स्टडी में ऐसा है ना तो जैसे आप आई एस आई हो तो आप एक एग्जाम्पल सेट करो बिकॉज लोग आपकी तरफ देख रहे हैं आप जो करोगे वो लोग उससे इंस्पायर होंगे तो यू हैव टू सेंड द राइट मैसेज अब इसी में हम बात करते हैं डिस्कस द नीड टू स्ट्रेंथन गवर्नमेंट स्कूल इन इंडिया क्यों जरूरी है गवर्नमेंट स्कूल्स को स्ट्रेंथन करना ये नहीं कि हम गवर्नमेंट स्कूल्स को हटा ही दें पिक्चर से नो गवर्नमेंट स्कूल्स आर इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाई द चैलेंजेस अब चैलेंजेस बताइए और कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशन बताइए तो अगेन इसमें तीन पार्ट है पहले तो आप बताओ नीड क्या है स्ट्रेंदन गवर्नमेंट स्कूल्स को करना जैसे ये देखा था ना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता एक एक डेढ़ डेढ़ लाख रुपए डोनेशन लेते हैं फिर फी होती है हर किसी के बस का नहीं है बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको पढ़ाई से वंचित कर दिया जाए उनको पढ़ाई मिलनी चाहिए नीड टू स्ट्रेंदन गवर्नमेंट स्कूल्स और उसके लिए सरकारी स्कूल जरूरी है और चैलेंजेस क्या है और इनोवेटिव सोल्यूशन क्या है तो तीन पार्ट है तीनों पार्ट को आप यहाँ पे एड्रेस करो ओके दे दिस इज द नेक्स्ट वन न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर स्टोरी टेलिंग अपसी जब से ये डिजिटल मीडिया आया है इसने इतना अच्छा लेवल प्लेइंग फील्ड कर दिया है कोई भी टैलेंटेड पर्सन जैसे वेब सीरीज़ आ रही है पहले हमारे यहाँ होता था कि बॉलीवुड वगैरह है इसमें दो चार सेलिब्रिटीज़ होते थे बस वही काम कर रहे थे बट अब जब से वेब सीरीज आई है तो जो छोटे नए प्लेयर्स हैं टैलेंट है उनको भी एक मौका मिल रहा है तो विच इज़ गुड स्ट्रीमिंग सर्विसेज आर लिबरेटिंग फॉर फिल्म मेकर आज की डेट में आपके पास कैमरा है आपके पास टैलेंट है आप बहुत अच्छी फिल्म बना सकते हो तो इट इज लिबरेटिंग फॉर फिल्म मेकर कॉस्ट कम हो गई है इसकी और फिर व्यूअर्स भी मिल रहे हैं डेमोक्रेटाइज हो रहा है पूरा कंटेंट तो दिस इज गुड सो दिस इज टेस्टिंग कैपेसिटी अपोजिशन में ज्वाइन फार्मर्स टूडे डिफेंस सर्विस बिल विल लैप्स आफ्टर अ ईयर और ये यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है देन दिस इज अबाउट वी सपोर्ट एन अफगान लेड पीस प्रोसेस अभी इंटरव्यूज में भी अगर पूछा जाए ना तो यही बोलना है हम सपोर्ट करते हैं अफगान लेड पीस प्रोसेस बिकॉज ये हमारी ऑफिशियल लाइन है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि सिचुएशन क्या है हम जजमेंट पास नहीं कर रहे अभी अनफोल्डिंग सिचुएशन क्या है मॉनिटर कर रहे हैं जैसी स्थिति होगी जो इंडिया के बेस्ट इंटरेस्ट में होगा हम वो काम करेंगे देन यू के इज कोविड नॉर्म्स फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम इंडिया रीओपन कर रहा है ट्रेवल वीजाज देन दिस इज कोटास प्रेगनेंसी चाइल्ड बर्थ डू नॉट इंक्रीज रिस्क ऑफ अक्वायरिंग सार्स कोव टू इंफेक्शन डॉक्टर्स ने कहा देन दिस इज पूना वाला और ये है नो स्टडी देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज ब्रिटेन विल नॉट रिकोगनाइज द तालिबान गवर्नमेंट दैट टेक्स पॉवर बाय फोर्स ये की वर्ड भी याद रखिए पॉवर बाय फोर्स पावर बाय फोर्स से तालिबान को लेजिटिसी नहीं मिलेगी और वी आर एक्चुअली वेरी वर्ड जैसे अफगानिस्तान में इतना प्रोग्रेस हुआ ना वो सब बैक टू ज़ीरो हो सकता है हमें ज़रूरी है जैसे हमने वर्ल्ड में भी हिस्ट्री पढ़ी है थियोक्रेसी जो होती है ना वो अच्छे रिजल्ट नहीं लाती है थियोक्रेसी इज़ नॉट गुड बिकॉज दिस इज़ अ नॉट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिस इज़ नॉट अ प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट सो वॉट वी नीड टू डू इज डेमोक्रेसी यहाँ पे स्ट्रेंदन करना जरूरी है ईरान के साथ भी क्या प्रॉब्लम है 1978 तक ईरान वॉज डूइंग जस्ट वेल फिर वहाँ पे रिवॉल्यूशन हुआ और फिर सब बैकवर्ड ज़्यादा गया ईरान तो सेम अफगानिस्तान में भी बैकवर्ड नहीं होना चाहिए एक नाइनटीन का अफगानिस्तान यूज टू बी अ वेरी डिफरेंट प्लेस तो टू मच ऑफ दिस थियोक्रेसी इज़ नॉट गुड तालिबान गवर्नमेंट दैट टेक्स पावर बाय फोर्स ब्रिटेन उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा दैन दिस इज इरान बैक्स मूव टू लिफ्ट सेंशन बट वोट बो टू प्रेसर राइसिने का लेटेस्ट सी न्यूक्लियर डील होना चाहिए इससे हमें फायदा होगा वोडाफोन आइडिया फॉल्स ऑन बिरलाज डिपार्चर अगेन वोडाफोन और आइडिया दिस टेल्स की डूओ पॉली मोनोपोली इज बैड इज बैड फॉर इनोवेशन इज बैड फॉर मार्केट इज बैड फॉर कंज्यूमर तो वोडाफोन आइडिया भी यहाँ पे दिस नॉट डूइंग गुड फ्लिपकार्ट फाउंडर्स हैं ईडी ने बुलाया उन्हें देन दिस इज ई वे बिल्स ऑगस्ट वन जी को सिम्पलीफाई करने की बात चल रही है अब जैसे बी है हमने प्राइवेट प्लेयर्स तो अच्छे कर दिए बट इनको अच्छा करने के लिए आप सरकारी चीज को क्यों डिफीट कर रहे हो बी आज तक बी को अभी तक प्रॉपर फोर नहीं मिला हुआ है और यहाँ ये फाइव की बातें कर रहे हैं वाई तो ये तो सिस्टमेटिकली जबकि बी इतना भी बुरा नहीं है बी एस एन एल इज़ रियली गुड BSNL, MTNL. Then this is India clinches bronze bridge of 41 year gap with its golden past. Excellent hockey coach. Then this is excellent. This is Daya, very good player. हमने बहुत अच्छा performance किया है. Excellent. But और अच्छा करने की ज़रूरत है. Then this is global investor के लिए Indian Express में लिखा है कि ये जो tax terror था ना इसको अब हटा दिया गया. It took seven years adverse verdict to course correct, which is good. ब्रोंज मेडल है गोल्ड मोमेंट है सीजीआई का स्टेटमेंट है पेगासस स्नूपिंग केस में फर्स्ट हॉकी मेडल है ओलंपिक्स में सिंस 1980 एटी एक्सिलेंट देन यहाँ पे हमने सिल्वर मेडल जीता ये सेंट स्टीफन्स अंडरग्रेड स्टार्ट कर रहा है पंद्रह अगस्त आ रहा है रेड फोर्ट अहेड ऑफ इंडिपेंडेंस डे पंद्रह अगस्त और एक है छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त को प्राइम मिनिस्टर जो है वो यहाँ पे दिस फ्लैग हॉस्टिंग करते हैं छब्बीस जनवरी को प्रेसिडेंट जो होते हैं जब रिपब्लिक डे परेड होती है राजपथ तो वहां पे प्रेसिडेंट फ्लैग होस्टिंग करते हैं ओके रिमेंबर देन दिस इज इन पार्लियामेंट विल शेयर अवर परस्पेक्टिव ऑन अफगानिस्तान एट यू एन एस सी मीट सी जयशंकर साहब है और इब्राहिम राइसी इज लॉर लॉरेट अभिजीत बनर्जी अभिजीत बनर्जी एंड वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर एक्सप्लेन में है इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें दिस इज यू पी ए दिस इज गोल्डन ब्रोंज फ्रॉम एक्स कोच विद लव ये जो टोक्यो गेम है ना इसने स्पोर्ट्स को अगेन एम्फेसाइज किया है इट इज़ गुड स्पोर्ट्स कल्चर भी प्रमोट करना ज़रूरी है दैन इन सेलेक्ट क्लब इंडिया आ गया है आई एन एस विक्रांत में री वायरिंग इंडिया इंक कंपनीज भी जो होती है ना वो अगर इनोवेट करती है तो सर्वाइव करती है अदरवाइज फॉल भी बहुत क्विक होता है एक टाइम था जब किसी ने सोचा नहीं था कि नोकिया की ये हालत होगी जो आज है नोकिया डोमिनेट करता था लाइक एनी थिंग बट सी तो द पॉइंट इज री वायरिंग जरूरी होती है इनोवेशन जरूरी होती है ताकि आप रेलिवेंट बने रहें ए फॉर एग्रेसिव बी फॉर बुली एंड बी फॉर बैड बुलीज आर रियली बैड दिस इज स्टेट ऑफ फूड इनसिक्योरिटी और दिस इज मॉनीटर चाइनीज एक्शन सब सी ब्रह्मपुत्रा रिवर आ रही है इधर चाइना से और चाइना यहाँ पे लोअर रीच पे यहाँ पे डैम्स बना रहे हैं इससे इंडिया को थ्रेट है अगर एकदम से पानी रिलीज कर दिया तो हमारा ये असम वैली पूरा फ्लडिंग हो जाएगा एक्शन इंटरवेंशन जरूरी है ब्रह्मपुत्र हमारे इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं हो ये रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन है टू तो बी अ थिंग ऑफ द पास्ट विच इज गुड फर्टिलाइजर्स का शॉर्टेज हो रहा है ग्लोबल प्राइसेस स्काई रॉकेट हो रही है अभी कुछ ही दिन पहले हमने सब्सिडी भी पढ़ा था फर्टिलाइजर सब्सिडी स्काई रॉकेट मतलब बहुत कीमत बढ़ गई है शॉर्टेज क्यों हो रहा है शॉर्टेज है फर्टिलाइजर का दिस इज लूमिंग मतलब डर बना हुआ है ऑन द बैक ऑफ स्काई रॉकेटिंग इंटरनेशनल प्राइस इंटरनेशनल प्राइस बढ़ गई है ये इसलिए भी बढ़ी और अभी डर इस बात पे भी है बिकॉज राबी सीजन आ रहा है जैसे विंटर्स आएगी ना तो बुआई चालू होगी राबी सीजन की तो फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी अब फर्टिलाइजर का शॉर्टेज है सप्लाई क्रंच हो रहा है ड्यू टू द ओवरऑल बुलिश ग्लोबल एग्री कॉमोडिटी मार्केट सप्लाई क्रंच हो रहा है बिकॉज ग्लोबल जो मार्केट है वो बुलिश है ज़्यादा तेज चल रहा है टेम्पररी सस्पेंशन भी है एक्सपोर्ट्स बाय चाइना वेस्टर्न इकोनॉमिक सेंक्शन है अगेंस्ट बेलारस तो सप्लाई साइड शॉर्टेज हो रही है फर्टिलाइजर की और जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड तो हाई है राबी सीजन भी है तो प्राइस ऊपर हो जाएगी रिकवरी डीलेड है पर डीरेल नहीं हुई है बी ऑप्टोमिस्टिक अंबर लिस्ट में रख दिया है यूके ने कि हम अपना यू जा सकते हैं इसराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है लेबनान में ड्रामा इन बीजिंग डिप्लोमेटिक ये एक और बड़ी न्यूज है मेसी टू लीव बार्सिलोना बार्सिलोना मतलब मेसी मेसी मतलब बार्सिलोना बार्सिलोना बट नाउ दिस इज नॉट एनी मोर देन एवरी मैन हु बिकेम अ हीरो हॉकी टीम एफर्ट हॉकी में टीम एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है फुटबॉल में टीम एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्सप्रेस so, हिंदी में हम देखते हैं अधिकरण क्या होते हैं? ट्रिब्यूनल ट्रिब्यूनल को हिंदी में बोलते हैं अधिकरण ये अर्ध न्यायिक संस्था है क्वॉजी जुडिशियल है अर्ध न्यायिक मतलब जुडिशरी को एक टाइप के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं तो उसके लिए एक ट्रिब्यूनल बना दिया जैसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना दिया सी बना दिया ओके तो ये प्रशासनिक विवादों कर संबंधी टैक्स ट्रिब्यूनल को हल करने जैसी समस्याओं का निपटारा करने के लिए गठित किया जाता है स्पेशलाइजेशन होता है इनके पास विवादों का फैसला करने दावा करने वाले पक्षों के मध्य अधिकारों का निर्धारण करने प्रशासनिक निर्णय लेने प्रशासनिक निर्णय की समीक्षा करने ऐसे कुछ कार्य ट्रिब्यूनल को दिए जाते हैं तो ट्रिब्यूनल मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ केसेस वो डील करेंगे संविधान में इसका प्रावधान पहले नहीं था बट अब है अधिकरण मूल रूप से संविधान का भाग नहीं थे फिर स्वर्ण सिंह कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमिटी फोर्टी सेकेंड इसको शामिल किया गया तो इसमें एक नया पार्ट ऐड हुआ पार्ट पार्टी ए और पार्ट फोर्टीन ए में आ गया थ्री टू थ्री ए एंड थ्री टू थ्री क्या है ये प्रशासनिक अधिकरण है दिस एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासनिक अधिकरण लोक सेवा में नियुक्ति भर्ती सेवा शर्तों में कोई भी विवाद होगा तो वो आप जाओगे थ्री टू थ्री दिस इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में थ्री टू थ्री बी क्या है इसमें कर मतलब मिसलेनियस है औद्योगिक श्रम विवाद विदेशी मुद्रा आयात निर्यात भूमि सुधार खाद्य नगर संपत्ति सांसद राज्य मंडल के लिए निर्वाचन किराया किराएदार तो दैट इज थ्री ट्वेंटी थ्री बी तो थ्री ट्वेंटी थ्री एवेंटी थ्री बी पार्ट फोर्टीन ए ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फोर्टी सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट दैट इज दिस ट्रिब्यूनल सी के सब सवाल देखते हैं दो एयर कंडीशनर हैं ए और बी जब भी केवल दो की बात होती है ना तो आप उसमें ये फॉर्मूला लगा दो कि अकेले ए इतना काम कर रहा है अकेले बी इतना काम कर रहा है तो टुगेदर वो करेगा ए बी अपॉन ए प्लस बी वैसे तो हम इसे पर मिनट में भी कर सकते हैं लाइक ए का कितना होगा वन बाय फोर्टी बी का होगा वन बाय फोर्टी फाइव दोनों का वन मिनट मतलब इनको ऐड कर लो वन बाय फोर्टी वन बाय फोर्टी फाइव और फिर आप इससे टोटल फाइंड कर लो

put it in equation you will get this 20 days अब यहाँ जो सवाल है उसमें ना आसान तरीका ये प्रपोर्शनैलिटी देख लो जैसे वर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू मैन ज्यादा वर्क है ज्यादा मैन है डायरेक्टली ज्यादा मैन है ज्यादा काम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो ये डायरेक्ट है वर्क और टाइम ज्यादा टाइम मिलेगा ज्यादा काम होगा कम टाइम मिलेगा कम टाइम होगा डायरेक्ट है तो वर्क अपॉन मैन मैन इन टू टाइम दैट इज कॉन्स्टेंट डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू एम तो डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक कॉन्स्टेंट टाइम एम तो w upon m कांस्टेंट k तो इस तरीके से वर्क अपॉन मेन इनटू टाइम इज अ कांस्टेंट ये हमें पता चल गया अब जो वर्क है इस केस पर्टिकुलर में वर्क मतलब रोड बनाना है और रोड तो मतलब जितनी बनाना है उतनी बनाना है दिस इज अ कांस्टेंट तो दोनों केसेस में w कांस्टेंट होगा तो w upon m1 t1 w upon m2 t2 ये दोनों कांस्टेंट है तो इसका मतलब है m1 t1 upon m2 t2 ये एक जेनेरिक है सारे सवाल इससे प्रोपोशनिटी से हो जाते हैं इस पर्टिकुलर केस में वर्क कॉन्स्टेंट था तो वनवल टू फोर्टीन दो मैन सात बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन फोर्टीन डेज तीन मैन आठ बॉयज कैन डू द सेम इन ग्यारह दिन आठ मैन एंड छह बॉयज कैन डू थ्री टाइम्स द अमाउंट ऑफ दिस वर्क इन हाउ मेनी डेज आंसर

हम कैसे स्ट्रेंदन करें चैलेंज क्या है और सॉल्यूशंस भी बताइए देन ये बताइए आप इज ऑफ डूइंग बिजनेस पे सो दिस इज सिक्स ऑफ ऑगस्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ